नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है। अब जो है पूरे देश को लॉकडाउन किया है 14 अप्रैल तक। जी हां, 21 दिनों का लॉकडाउन जो है फिर से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ऑफिस में। और आपसे भी यही अपील करेंगे कि आप भी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि फील्ड में काफ़ी कम निकले, काम जो है वो घर से करें या ऑफिस से करें, लोगों के बीच कम जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से ये खतरा बढ़ता है। काफ़ी लोगों को कल से एक चिंता थी कि लॉकडाउन के बाद क्या पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, क्या पेट्रोल डीजल मिलेंगे, या गैस जो है वो आपके घरों तक पहुंचेगा, या आपको जाके गैस लाना पड़ेगा। तो इन सभी का जवाब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक आभास जी ने दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप सुन ले। मीटिंग के लिए भी आया था। मैं सारी जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में, पूरे राज्य में, इनफैक्ट हम झारखंड के भी इंचार्ज हैं, झारखंड में भी, दोनों राज्यों में पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और सरकार के लॉकडाउन के नियमों के तहत हमारे सारे रिफाइनरीज, हमारा सारा सप्लाई चेन, हमारा सारा बॉटलिंग प्लांट और इंस्टॉलेशन नॉर्मल तरीके से चल रहा है। और गैस के लिए लोगों में जो एक पैनिकिंग की तरह हो रही है, मैं उनको खास कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिर्फ मोबाइल से ऑनलाइन IVRS से बुकिंग करें। हम आपको निश्चिंत करते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को घर पे गैस मिलेगा। कृपया लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गैस गोडाउन या गैस के दुकान की तरफ नहीं जाएं। गैस घर घर पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और वो पहुंचाई जाएगी, पैनिकिंग ना करें। तो बिल्कुल ये साफ है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। गैस सिलेंडर अगर आपके घर पे नहीं है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करें, जो भी गैस एजेंसी है आपकी वो आपके घरों तक गैस पहुंचाएगी। और उन्होंने अपील भी यही की है हमारे माध्यम से, न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से, कि आप घर पे रहें, घरों से बाहर ना निकलें। जहाँ तक बात रही पेट्रोल पंप की, तो आपको बता दें कि कल काफ़ी संख्या में देर शाम को लोग घरों से निकले थे, पेट्रोल पंप पहुँचे थे पेट्रोल भराने के लिए। उनको काफ़ी समस्या थी, उनको ये जानना था कि क्या पेट्रोल पंप कल से बंद रहेंगे, नहीं रहेंगे, खुले रहेंगे। तो आपको बता दें कि पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप बंद नहीं रहेंगे। जो इमरजेंसी वाहन है उनको पेट्रोल मिलता रहेगा, या जो भी मीडियाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, या जो तमाम लोग हैं जिनको रियायतें दी गई है, जो सरकार ने 12 रियायतें दी हैं, जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो गाड़ी उसके लिए आएगी, जो इमरजेंसी गाड़ी है, एम्बुलेंस है, उन सभी को जो है पेट्रोल मिलेगा आसानी से, पेट्रोल पंप बंद नहीं रहेगा। और गैस लेने आपको कहीं भी एजेंसी में नहीं जाना है, गैस जहाँ पे आप लाने जाते हैं वहाँ पे आपको नहीं जाना है। ऑनलाइन नंबर जारी किया गया है, आप उस ऑनलाइन नंबर पे जाएं, गैस की बुकिंग करें, गैस आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। एक बार फिर से हम न्यूज़ फॉर नेशन के अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।